हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग भी अच्छे होंगे और हम लोग भी एकदम बढ़िया है। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। नए दिन के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। मॉर्निंग के 9 बजे हैं और हम लोगों का भी नाश्ता हो गया है और कल शाम से कंटिन्यू बारिश है। ब्लॉग में ऐसा कुछ नहीं है, डेली लाइफ स्टाइल कुछ भी ब्लॉग नहीं है मेरे पास, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से थोड़ा बातें डिस्कस कर ली जाए, थोड़ी चीज़ें आप लोगों को दिखा दिया जाए, है ना। दोस्तों बाहर तो धमधमाती हुई बारिश लगी हुई है, तो हम लोग सभी अंदर ही है। पापा तो ग्वाला गए हैं लेकिन रुद्रांश भी अभी सो रखा है, तो मुझे भी थोड़ा बहुत वीडियो शूट करने का टाइम मिल गया, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को अपनी ज्वेलरी कलेक्शन आज दिखाई दिया जाए। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि आप अपनी ज्वेलरी कलेक्शन दिखाओ, साड़ी कलेक्शन दिखाओ। एक होता है ना कि हाँ कि क्या क्या जो है एक देखने की वो होती है, चाह होती है ना, तो मैं भी आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करना चाहूँगी और अपनी ज्वेलरी कलेक्शन भी दिखाना चाहूँगी। वैसे तो आप लोगों ने पहनते हुए बहुत बार मुझे देखा भी होगा, लेकिन पर्सनली मैं एक बार आप लोगों को दिखा दूँ। तो कुछ नया भी होना चाहिए ब्लॉग में, रोज़ रोज़ भी एक ही चीज़ दिखाते मैं भी थक जाती हूँ और आप लोग भी बोर हो जाते हैं, तो जल्दी से अपनी ज्वेलरी लेके आते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। लुकी लुकी छुपी छुपी करूला इंतजार। तो ज्वेलरी तो लेके आ चुकी हूँ मैं दोस्तों। ये रहा मेरा ज्वेलरी का बैग और ये आया था मेरे मायके से। अब मैं दूसरे वाले में रखूँगी, ये वाला मैं ले जाऊँगी हल्द्वानी को। और ये मैंने हल्द्वानी मार्केट से लिया था, जब मेरी शादी होने वाली थी तब शॉपिंग की थी, तो ये वाला बैग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और तो मुझे अच्छा भी लगा। और ना दोस्तों ये मेरे से ना टूट भी गया था, इसका ये वाला चैन कौन सा था वो, हाँ ये था, ये फिर मैंने ऐसे बांधा मैंने और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। ये छोटा छोटा है ना, तो कहीं भी हम लोग लेके जा सकते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा हैवी है लेकिन बहुत अच्छा लगा। अपनी यादें अपने पास रहनी चाहिए, तो मैंने अच्छे से संभाल के रखूँगी मैं इसको और रखा भी है। तो चलो जी जल्दी से दिखाते हैं आप लोगों को भी अपना ज्वेलरी कलेक्शन। ये है मेरी माला और माला तो यहीं से रहे थी मेरी, और ये वाली डिज़ाइन ना ढूंढते ढूंढते मेरे को 4-5 दिन लग गए थे। तनुज बोल रहे थे कि डिज़ाइन बता तू बता, तो ये वाली डिज़ाइन मैंने यूट्यूब पर देखी थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। फिर जब हम लोगों ने इसको सुनार को दिया था ना, सुनार ने इतना भद्दा टाइप का बना दिया था, फिर मैंने खुद कॉल किया था उनको कि मुझे ऐसी माला नहीं चाहिए। फिर से उनको मतलब अच्छे से बताया मैंने कि वो वाली नीचे, तब जाके उन्होंने ये वाली माला बनाई और ये ना बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत ज़्यादा पसंद है ये डिज़ाइन। फिर सेम डिज़ाइन दीदी ने भी बनाई थी यही वाली, उसकी भी तो ऐसी ही बन के आ गई थी, फिर उसने भी अपनी माला भेजी और उसकी भी ऐसी डिज़ाइन देखने को मिलेगी आप लोगों को। ये देखो अच्छी है ना माला, ये वाली डिज़ाइन बहुत सच्ची में बहुत अच्छी लगी। ये मैंने बोला बनाना है तो यही बनाओ, नहीं तो कुछ सिंपल सा बना लो। फिर तनुज ने यही वाली बना दी। बहुत ज़्यादा लड़ाई भी हुई थी इस चक्कर में मेरी। और ये है तनुज की अंगूठी, तनुज के पास ये अंगूठी तनुज को पापा ने दी थी और इसकी डिज़ाइन थोड़ा पुरानी है क्योंकि पापा ने पहले ही बना दिए थे सब। शादी ब्याह में यही वाला डिज़ाइन ज़्यादा देखने को मिलता है ना। और ये रहे दोस्तों मेरे पौजी जो कि मेरे मायके से आए थे और पापा ने बनाए थे मेरे लिए हम लोग। और ना दोस्तों मैं यहाँ पर डर जैसा गई थी क्योंकि वहाँ पर से ऐसे थोड़ा सा गैप था, तो मुझे लगा कि इसमें कम है तो मैं इनको गिनने लग गई थी। ये चीज़ें ना बहुत संभालने वाली होती है, तो मैं डर गई थी, तो अचानक से देखा ना मैंने, वो डर जैसा लग ही जाता है ना। ये देखो भाई मेरे से तो टाइट नहीं हो रहा है, ये अच्छे लग रहे हैं ना। ज्वेलरी ना हम लोगों को ज़्यादा पहनने का मौका नहीं मिलता है, जब शादी ब्याह हो तभी, जब कोई हमारा फंक्शन हो तभी टाइम मिलता है। वैसे तो हम लोग ज्वेलरी रखे ही रखे रहते हैं, कहाँ टाइम मिलता है ना ज्वेलरी पहनने का।
ऐसे हम ऐसे इसको पहन के घूम भी नहीं सकते कहीं भी, ये ऐसे घुमाने वाली चीज़ ही नहीं है। और आजकल ना शादी ब्याह में भी लोग ज्वेलरी थोड़ी पहन रहे हैं, नकली वाली पहन रहे हैं, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल भी बहुत चल गए हैं तो नकली पहनते हैं, क्योंकि डर लगता है चोरी चकारी का। और ये है मेरी नथ, ये डिब्बे नथ के ऐसे होते हैं। तो इससे इसके लिए भी ना दोस्तों, मैं दूसरी बार गई थी सुनार के पास, तो मैंने बोला ये वाली पापा मेरे को डिज़ाइन अच्छी नहीं लगी है, तो वहाँ गए हम लोग दूसरी डिज़ाइन लेके, लेकिन उसने बोला कि खाली ख़राब क्यों करते हो, अच्छी लगती है, अच्छी लग रही है करके। फिर पैसे भी ज़्यादा लग जाते ना सुधारने वधारने में, सोना कम भी हो जाता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर उस टाइम पे हमारा एक तो खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो रखा था, बहुत चीज़ें हो जाती है ना शादी के टाइम पे। ये वाली नाद भी अच्छी है मेरी होने को तो ये। फिर मैंने ये नहीं सुधारी, लेकिन अब मन कर रहा है कि मैं इसको सुधारूं। देखते हैं थोड़े टाइम के बाद अगर इसको सही करवाऊंगी मैं पापा से बोल के। और ये है दोस्तों मेरा मांग टिक्का, ये भी मेरे मायके से आया था। फिर मैं इसको नए मांग टिक्का पापा ने पहले नहीं बनाया था ना, तो मैं इसको फिर नए मॉडल में बना के लेके आई पापा से बोल के। ये देखो लास्ट में आता है मेरे झुमके, जो कि ये भी मेरे मायके से ही आए थे। और आजकल मैंने इसके ऊपर के खोल रखे हैं, क्योंकि बीच में मैंने लटकने वाले ऊपर से ऐसे वाले नए डिज़ाइन चल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक वाले, उनको बोलते क्या है मुझे नहीं पता, वो पहने थे, तो मैंने इसके जो रियल वाले थे झुमके के ऊपर, तो वो निकाल दिए थे। अब पहनाऊंगी ये भी पुराना ही मॉडल है, क्योंकि पुराना भी नहीं बोल सकते इसको, 2-3 साल पहले का मॉडल है, तो मैंने कुछ नहीं सुधारा उस टाइम पे, पापा ने पहले ही बना दिया था, तो फिर मुझे सुधारना भी सही नहीं लगा, क्योंकि फिर से वही खर्चा वही बोना। वैसे तो फिर एक ही बार सुधारते हैं, लेकिन फिर मैंने नहीं सुधारा, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला पापा ठीक है, सोना ही तो हुआ है ना, क्या ही सुधारते हो उसको, नामकरण के टाइम पे आए थे। और ये है मेरे चांदी के पायल, जो कि जिस दिन पिठिया लगाते हैं उस दिन नाक की नोज रिंग और पायल और बिछुए आते हैं, जो कि लड़की को उस दिन से पहनने होते हैं। तो मेरे तो शादी के 4-5 दिन पहले हुई थी मेरी, मेरे को पिठियाँ 4-5 दिन पहले लग गया था, तो पहले ही आ गए थे ये, और उस दिन से मैंने ये पहने थे ना। जब पहले ही पहनने लग जाते हैं तो गांव के जो औरतें होती हैं ना बहुत चिढ़ाती है, तो मेरे को भी चिढ़ाते थे, तो मैं सॉक्स के अंदर डाला कर रखती थी उसको। तो दोस्तों ये थी मेरी ज्वेलरी कलेक्शन, और आई होप आप लोगों को मेरी ज्वेलरी अच्छी लगी होगी, बहुत है इतना। और आजकल के टाइम पे तो ज्वेलरी को बस रखे रखे ही रहते हैं, और ज़्यादा पहनने का टाइम ही नहीं मिलता, एक माला एक झुमके ज़्यादा से ज़्यादा, और माल नथ मांग टिक्का पौजी ये तो बहुत किसी अपने फंक्शन, जब अपना फंक्शन हो तभी पहनने का मौका मिलता है। बस इतना ही है, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। शाम का टाइम है दोस्तों, अभी करीबन 5 बजे हैं और बारिश रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है, और ठंडा सा माहौल हो चुका है। इस बारिश में ऐसा मन कर रहा ना कि भीगी जाए।